बकेट कर दें उसके साथ विंग्स वाली वो जो जरा स्पाइसी होती है अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक क्या हालचाल है आप सबके दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैंने आपको बताया था कि अम्मी की आंखों का मैंने ऑपरेट करवाना है तो आज जो हमने टाइम लिया हुआ था अच्छा यहाँ पे मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा रश होता है आज तो बम्पर टू बम्पर जो है ना इस्लामाबाद हाईवे बिल्कुल ब्लॉक था और हम लोग बीच बीच में से सोसाइटीज़ में से कहाँ कहाँ खेतों में से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के हम लोग जो है ना वो जा रहे थे क्योंकि इतनी हमें देर हो गई थी फिर हमने ये थोड़ा सा सोचा कि हम लोग ना बीच से निकल के जाते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शनस हो रही हैं उसकी वजह से यहाँ पे अक्सर रोड ब्लॉक होता है और यहाँ पे कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है बस ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफ़ी रहती हैं तो खैर हम लोग खैर खैरियत के साथ किसी तरह से हाईवे पे पहुंच गए थे रश वाला टाइम हमने क्रॉस कर लिया था सारा उसके बाद यहाँ पे आप देखें आज माशाल्लाह से मौसम बड़ा अच्छा था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मार्गिला हिल्स आज मुझे इतना इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था हालांकि मैं टेंशन में बहुत थी क्योंकि अम्मी का मैंने ऑपरेट कराना था अम्मी भी थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन का नाम सुन के इंसान थोड़ा सा डर जाता है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह से फील होता है इंसान को तो यहां से हम लोग जा रहे हैं जी ब्लू एरिया और मेरे पास इस पर टाइम बहुत ही कम था बहुत ही लिमिटेड था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं बहुत बार आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्पॉट्स हैं मुनल वगैरह और दामनिक को तो है ही है लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी जगह हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा लल चा रहा था लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं अम्मी ठीक हो जाए बाकी तो सब कुछ चलता रहेगा इन अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम ही आ जाएंगे अच्छा जी तो खैर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग थोड़ा सा लेट हुए थे लेकिन ऑलरेडी जो है ना वो यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वो चल रही थी तो थोड़ा सा हमने वेट किया था और उसके बाद जो है ना फिर अम्मी की बारी आ गई थी ऑपरेशन की तो खैर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता लेकिन हम दोनों काफ़ी परेशान थे स्पेशली आप देख सकते हैं मैं और हैदर और स्पेशली जब उन्होंने मुझे अम्मी की चीज़ें दी थी ना और मैं पकड़ के यहाँ बैठी थी तो मैं रोने लग गई मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ मतलब कि मैंने अम्मी के दुपट्टे तो को और तस्वी को और ऐसे दिल से लगाया हुआ था बस मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा आपकी कोई प्यारी चीज़ ना आपसे दूर कर दिया लेके जा रहा हो तो खैर अल्लाह ताली सबकी माओ को सेहत दे तंदुरुस्ती दे लंबी ज़िंदगी दे आमीन सुम आमीन तो यहाँ पे बैठ गए मैं और हैदर और यहाँ से हम बिल्कुल दरवाजे के साथ बैठ गए थे दोनों अच्छा मैं तो खैर रोने लग गई थी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी लेकिन हैदर भी थोड़ा सा जो है ना वो टेंशन में बैठा था क्योंकि हैदर को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी अम्मी की अम्मी के वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो इसलिए वो भी जरा सा ना थोड़ा सा था इस तरह से शो नहीं कर रहा था लेकिन जो है ना वो भी मेरी तरह परेशान था इस टाइम पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर ख़ैरियत के साथ अम्मी की आँख का ऑपरेट हो गया अच्छा ये वाला ना मैंने लेज़र वाला कराया है इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा और लेंस भी मैंने लगवाया है और अच्छे से अच्छा मैंने करवाया है और ये आई ड्रॉप डाल के और ये जैसे एनस्थीजिया देते हैं ना लोकल वाला इंजेक्शन लगा के तो इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया इन्होंने ड्रॉप से किया उसके अलावा स्टिचेस भी नहीं लगाए बहुत ही एडवांस किया है बहुत अच्छा किया है और केयर बताई है और ड्रॉप्स दिए बाकी चीज़ें दी हैं तो वो साथ साथ करने हैं अदरवाइज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ ना तो मैं आप सबको कहूँगी कि अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है आँखों का क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग इनके पास आए हुए थे बहुत तारीफ सुनी थी मैंने तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं और मैं तो फर्स्ट टाइम किसी की रिकमेंडेशन पे गई थी लेकिन बहुत बहुत अच्छा हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है okay. एक बकेट कर दें उसके साथ बफलो विंग्स वाली वो जो जरा स्पाइसी होती है ओके okay. एक कर दें आप राइस एंड स्पाइस सर राइस एंड स्पाइस नहीं है। अच्छा चलें फिर एक कर दें आप क्रंच कर दें तो खैर ये जो ब्रेसलेट है ना ये पहले मैं आपको दिखा दूँ ये मुझे उस्मान ने गिफ्ट किया था कि मैंने पहना ही नहीं था नया रखा हुआ था तो अब मैंने कहा चलो जी पहन लूँ और जैसे ही उस्मान ने देखा तो उनको याद आ गया उन्होंने कहा अभी याद, याद आया मेरा ब्रेसलेट गिफ्ट किया हुआ पहनना आपको तो खैर मैंने कहा चलें पहन लेती हूँ हस्बैंड खुश हो जाएंगे अभी उस्मान जो है ना वो आए नहीं हैं वो अभी अपने घर ही हैं तो उन्होंने आना था लेकिन बस वो भी वहाँ पे स्टक हुए हुए हैं कुछ उनके भी वहाँ पे काम शाम चल रहे हैं और कुछ उनकी थी मसरूफियत तो वो नहीं आ सके तो आ जाएंगे इन शाह तला क्योंकि अभी साथ साथ मैं तैयारी भी शुरू कर रही हूँ वापस जाने की भी अच्छा जी हाँ ये मैं आपको बताऊँ वापसी पर हम लोगों ने ले लिया था के क्योंकि हम लोग थक गए थे अभी तकरीबन शाम रात भी होने वाली थी तो इस टाइम पे हम इतने थक गए थे कि हैदर मुझे कह रहा था कि अब थोड़े दिन हैं तो चलो कहीं ले जाता हूँ कुछ खिलाता हूँ किसी अच्छी से रेस्टोरेंट में कहीं लेके जाता हूँ लेकिन मैंने कहा नहीं हैदर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बस घर चलते हैं और दूसरा ये कि अम्मी की आंखों का ऑपरेट कराया था तो मुझे उनका एक आंख का कराया सॉरी एक अभी कराना है तो मुझे उनकी बड़ी टेंशन थी मैंने कहा नहीं हैदर अभी घर चलते हैं कोई बात नहीं है फिर खा लेंगे अच्छा ये देखें ये इतने ज़्यादा स्पाइसी थे और अबू मेरे ये खा लेते हैं तो इसलिए मैंने कहा चलो ये वो खा लेंगे तो उनके लिए मैंने सिंपल वाले लिए थे और दूसरे वाले तो अल्लाह माफ़ करे मैंने नीचे से मतलब ये एक जो है ना मिर्चें हटा के खाया था और लेमन और जो प्योर चिली वाला जो था ना मिर्चों वाला टेस्ट तो जिनको स्पाइसेस पसंद है उनको तो अच्छे लगेंगे मेरे लिए तो टू मच स्पाइसी था तो रात हमारी खैर ख़ैरियत के साथ अच्छी गुजर गई और अभी सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम जो है ना मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ अच्छा जी तो बस अब मेरे यहाँ पे बहुत ही कम दिन रह गए हैं और बस अब अपनी तैयारी वापसी की भी मैं शुरू कर रही हूँ और मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर बहुत कम दिन के लिए आई और मैंने बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ जो है ना वो अपनी कैप्चर की हैं यहाँ पर अच्छा ये मैं दिखा रही थी ये मैं हैदर के लिए लेकर आई थी और हैदर को बहुत अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे भी लगा के खा रही थी मैंने जब नई नई आई थी ना यूके में तब मैंने ये ली थी तो मुझे अच्छी लगी थी तो हैदर को इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं तो शुक्र है हैदर को पसंद आई थी ये स्प्रेड है ये पसंद आया उस हैदर को अच्छा जी तो खैर अभी हम लोग दोबारा जाएंगे बाहर क्योंकि नेक्स्ट डे दोबारा डॉक्टर ने बुलाया था तो मेरे जो ये दिन है ना सारे बस ऐसे ही आने जाने में लगे और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से आप डेली आए जाएँ तो बहुत बहुत टाइम जो है ना वो आपको लग जाता है स्पेशली रोड्स भी जब ब्लॉक हों लेकिन आई एम वेरी हैप्पी शुक्र अलहमदिल्ला कि अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी को जो है ना वो ठीक कर दिया है अभी मतलब उनके ड्रॉप्स तो चल रहे हैं और ये है कि आहिस्ता आहिस् यू स्वेलिंग जाएगी स्टिचेस नहीं लगे क्योंकि आपको बताया लेजर वाला कराया है लेकिन इतना मैच्योर हो गया था कि इस स्टेज पे अगर आप करते हैं ना कोई भी आप करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है और डॉक्टर कह रहा था कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है ऐसी आँख को ऑपरेट करना लेकिन शुक्र अलहमदल्ला खैर खैरियत के साथ हो गया बाकी हर दो घंटे बाद ड्रॉप्स डाल रही हूँ और उनकी मैंने माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना केयर की है ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं अच्छा जी तो ये है ना आपको मैं दिखाऊँ मेरी स्टीम आयरन जो कि मैं अभी साथ लेकर जाऊँगी यूके और ये मैंने ली थी इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी अगर आपने देखी हो नहीं देखी तो मैं शेयर कर दूंगी लिंक दे दूंगी आप देखिएगा और इसके साथ मेरे नए वाले स्पूंस रखे हुए थे तो बस साथ साथ मेरे ये काम भी चल रहे हैं क्योंकि अभी आपको बताया ना बस दिन मेरे पास बहुत ही अब कम है और मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएं और मेरे थोड़े बहुत जितने अपने काम हैं वो भी हो जाए तो ये मैं निकाल रही थी इसको मैं बस अब पैक कर रही हूँ साथ साथ चीज़ों को बैग में और फिर फाइनल उस्मान आएंगे तो बस ही हम फाइनल फिर चीज़ें कर लेंगे लेकिन ये है कि ये मैंने लेके ज़रूर जानी है क्योंकि आप जब बाहर रहते हैं ना यूके में या हम स्कॉटलैंड में होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं कि उनके लिए स्टीम आयरन बहुत अच्छी काम करती है तो इसलिए मैंने कहा ये तो मैं इस बार ज़रूर ले कर मेरा पहले भी दिल बहुत था लेकिन आई थिंक इस तरह की चीज़ें कारगो नहीं करते हैं तो मैंने कहा था कि मैं खुद ही जाऊंगी तो मैं लेकर जाऊंगी तो ये देखिए इस तरह मैंने पैक करके रख दी थी ये बिल्कुल ही नई थी आपको याद हो मैंने आई थिंक एक दो या मैक्सिमम तीन बार यूज की होगी इससे ज्यादा मैंने यूज़ नहीं की फिर मैंने पैक करके रख दी थी तो खैर ये इन लेकर जाऊंगी सारी चीज़ें साथ और उसके बाद फिर आज मुझे हैदर कह रहा था बाजी मेरा ना समोसा चाट खाने को बहुत दिल चाह रहा है अच्छा उसको समोसा चाट अच्छी लगती है मैं आपको पता है दही बल्ले दही बड़े बड़े शौक से खाती हूँ तो मैंने कहा ठीक है मैं लेकर आती हूँ तो मैं गई फिर मैं उसके लिए लेकर आई मैं बहुत सारी खैर चीज़ें लेकर आई थी और मैं हैदर को भी बना के दूंगी समोसा चाट अपने लिए मैं लेकर आई थी दही भल्ले अच्छा इसमें ना आप ये देखें इतनी सारी चटनियाँ चीज़ें थी और मैं आपको दिखा रही थी समोसे वाली जो ली थी वो अलग थी और जो दही भल्लों वाली ली थी वो अलग थी तो यही मैं देख रही थी प्याज भी माशाल्लाह अच्छे दिए थे क्योंकि हमने कहा था हर चीज़ हमें अलग अलग पैक करके दें क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं ना फिर आप घर लेकर आएँ तो हर चीज़ ख़राब ही हो जाती है मिक्स ही हो जाती है और दही बल्ले होते हैं चाट होते हैं दही सारे पी जाते हैं तो वो अजीब से ही हो जाता है तो इसलिए हम जब जाते हैं मैं भी जाती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ आप हर चीज़ ना अलग से बना के दें तो बस यहाँ मैं अभी बना रही थी देखें भाई को अबू को मैंने दी थी उनको भी अच्छी लगती है चाट भाई को भी अच्छी लगती है और वो अभी गेम खेल रहा था तो मैंने कहा चले जी मैं आपको भी दिखाऊं तो ये चीज़ें मैं आपको हमेशा कहती हूँ हम लोग बहुत मिस करते हैं जब हम बाहर होते हैं तो इसलिए मुझे इन चीज़ों को खाने का ज़्यादा शौक होता है अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ मैं जब होम टाउन थी या मेरी नान मुझे कहती थी भाभी ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ऐसे है वैसे है मैं उससे कहती थी नहीं मुझे देसी चीज़ें खानी है मुझे ये वाली जो है ना हर जगह से मिल जाती हैं मुझे जो स्पेशल ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं देसी चीज़ें होती हैं तो जो हमें वहाँ पर नहीं मिलती हैं या कम मिलती हैं या वो टेस्ट नहीं मिलता तो मुझे वो चीज़ें इन्जॉय करनी है मेरी और उस्मान की दोनों की यही बात होती थी जो मेरी सिचुएशन को समझ सकते हैं तो वही समझ सकते हैं जो ये फील करते हैं खैर जी यहाँ पे अब मैं सारी चीज़ें जो है ना इन बाउल्स में डाल रही हूँ और इनको अब मैं सबको मिक्स कर रही हूँ पाकिस्तान में तो आप इन चीज़ों को मेरे ब्लॉग्स में माशाल्लाह से पहले भी देखते थे अभी भी देखते होंगे और ख़ैर यूके में भी मैं बनाती हूँ लेकिन ज़ाहिर है बाहर का वहाँ पे हम इतना नहीं खाते मज़ा भी नहीं आता वो टेस्ट भी नहीं होता तो अक्सर हम घर में ही हर चीज़ बनाते हैं इवन कि मैं आपको बताती हूँ ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो ले भी लें तो वो मज़ा नहीं आता वो टेस्ट ही नहीं आता फिर हम कहते हैं इससे अच्छा हम घर में ही बना लें फिर घर में ही बना के खा लेते हैं खैर जी यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बना रही हूँ सेट कर रही हूँ और हम लोग टेबल पे कम बैठते हैं मैं स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं बैठती क्योंकि गर्मी लगती है तो मैं ए ऑन कर लेती हूँ और ए वाले रूम में यहीं बैठ के फिर मैं आप देखते हैं खाना खाना हो या कुछ भी तो यहीं पर मैं बैठ के सारे काम करती हूँ और ये है कि पहले इस्लामाबाद में बिजली गैस के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं पता नहीं आप मुझे अच्छा एक और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं आप लोगों ने सिलेंडर रखे हुए क्या करते हैं जब रात को दस बजे के बाद गैस चली जाती है क्योंकि मैं तो अम्मी के लिए बड़ी परेशान हूँ वैसे तो खाना पीना हो जाता है लेकिन समटाइम आपके पास कोई ना कोई ऐसे रखना चाहिए सब्सटिट्यूट होना चाहिए ताकि अगर गैस ना हो या कुछ ऐसा तो आप उसको यूज़ कर सकें मैं जब थी ना लाहौर में तो उस टाइम पे मैं सिलेंडर भरवा के रखती थी क्योंकि मैं इस्लामाबाद से गई थी तो इस्लामाबाद में ये चीज़ें नहीं होती थी मतलब बिजली गैस हर वक्त होती थी कभी ऐसा नहीं होता था तो मैं जब लाहौर गई थी तो वहाँ पे गैस नहीं होती थी तो मैं बड़ी तंग होती थी फिर मैं जब मामू ने मेरे वहाँ पे सिलेंडर दिया था तो वो मैं फिल करवा के और फिर मैं काम करती थी अपना क्योंकि ज़ाहिर है जॉब भी करती थी और जब फ्री टाइम होता था तभी कुकिंग वगैरह करती थी तो इसलिए फिर वहाँ पे मैंने तो रखा हुआ था लेकिन यहाँ पे अब मैं मम्मी के लिए सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ मैं उनको कहूँ कि वो अरेंज कर लें क्योंकि अब पता नहीं हालात कब पाकिस्तान के बेहतर होते हैं कब सही होता है सब कुछ लेकिन कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या कभी बाहर होते हैं ये जरूरत पड़ जाती है तो मैं सोच रही थी कि गैस के सिलेंडर के अलावा जो है ना कोई ना कोई ऑप्शन उनके लिए मैं देखूं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ख़ैर ये फिर हमने इन्जॉय किया उसके बाद हम निकल पड़े जी मैंने आज फिर अम्मी को लेकर जाना था हॉस्पिटल तो ये थी मेरी रूटीन जिसकी वजह से मेरा सारा टाइम जो है ना बस ऐसे ही आने जाने आने जाने में गुजरता रहा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा टाइम गुजर गया पाकिस्तान में अब मैं अम्मी का यहाँ पर चेकअप करा के फिर उसके बाद जो है ना आज इन्होंने इसके बाद बुलाया था आ, कुछ दिन के बाद तो ये है कि तीन चार बार ये डिपेंड करता है आपकी आईज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई इशू तो नहीं है तो उस हिसाब से आपको फिर बार बार बुला के और चेक करते हैं तो एक तरह से ये चीज़ अच्छी भी है कि चलो आपको थोड़ी तसली होती रहती है आपको आइडिया होता रहता है कि कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे आज हम आए और अम्मी अच्छा फील कर रही थी वो ज़ाहिर है उनको तीन चार दिन तो ज़रा ब्लर नज़र आता है लाइट्स नजर आती हैं उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान ठीक होता है लेकिन इसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताई थी उन्होंने कहा था आपने झुक के नमाज नहीं पढ़नी इस साइड पर सोना नहीं है बाकी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शनस नहीं बताई थी और जो उन्होंने कैप वगैरह लगाई थी ना वो भी उन्होंने आज हटा दी थी बस ये है कि उन्होंने कहा स्वेलिंग होगी और ये चीज़ें हैं तो इसके लिए हर दो घंटे बाद ड्रॉप्स थे सुबह शाम दोपहर के शाम के वो वाले ड्रॉप्स थे डिफरेंट ड्रॉप्स उन्होंने दिए हुए थे तो फिर सारा टाइम जो है ना मैं अम्मी को बस वही डाल डाल के अम्मी के साथ ही मैंने जो है ना अम्मी की खिदमत कर रही थी मैंने कहा माँ की दुआएं लूँ और अम्मी ने इतनी दुआएं दी इतनी दुआएं दी इतनी दुआएं दी कि बस अंदर तक ना सुकून आ गया और बार बार मुझे ये कह रही थी कि माँ के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हो अपनी माँ को खुश कर रही हो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसे ही खुश रखे ऐसी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और अम्मी को पहले मतलब प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था ज़ाहिर है बताया था मैंने आपको लेकिन अब देखें इन शाला तल जब ये ठीक हो जाएगा तो अम्मी भी इन शाला ठीक हो जाएंगी अच्छा नज़र आएगा तो बस मैं खुश हो जाऊँगी मुझे सुकून मिलेगा ताकि मैं अगर वहाँ भी चली जाऊँ तो मेरी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो ये देखें जी बस ये अम्मी को मैं सारा टाइम ड्रॉप्स डाल डाल के और सारा टाइम जैसे ही दो घंटे गुजरते थे ना कुछ दो घंटे के बाद थे कुछ चार घंटे के बाद थे इस तरह से डिफरेंट मैं उनको डाल रही थी तो खैर आज चलो तसली हो गई डॉक्टर ने कहा कि अभी ये डालें फिर उसके बाद दोबारा बुलाया और जिस दिन मेरी फ्लाइट उस दिन बुलाया है लेकिन मैं चली गई तो ठीक अगर मैं ना गई तो फिर इनशाला भाई जो है ना अम्मी का चेकअप करा लेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बस ये आज ये मैं अपना फेवरेट खाना खा रही हूँ उबले हुए चावल उसके ऊपर सालन डाल के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इन ताला तला आपसे कल मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज